आइए एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चुनने हैं। रेडियस आर वाले सर्कल के उस सेक्टर का एरिया निकालिए जिसका एंगल पी डिग्री है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि किसी सर्कल में रेडियस आर है और उस सर्कल में एक सेक्टर का एरिया निकालिए जिसका एंगल पी डिग्री है। सेंटर को ओ ले लेते हैं, इस पॉइंट को ए, यहाँ बी और ए बी के बीच कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। थीटा की वैल्यू दी हुई है पी डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका एंगल पी डिग्री है, तो हमने थीटा की वैल्यू पी डिग्री ली है। अब हमें सेक्टर ओ ए पी बी का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी डिग्री एंड रेडियस आर। अब हम उस सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं जिसका एंगल पी डिग्री है और रेडियस आर है, तो थीटा की जगह पी रखेंगे, पी अपॉन 360 इंटू पाई और आर के जगह कैपिटल आर रखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू पी इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 360 इज इक्वल टू पी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 720। हमने ऑप्शन में देखते हैं कि करेक्ट आंसर जो है डी नंबर है, हेंस करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन डी।